जब से मानव जीवन है तब से इस पृथ्वी पर जंतु हैं और उनसे एसोसिएटेड इन्फेक्शंस यानी चेपी रोग हैं। आपने सामान्यतया से होने वाली रोजमर्रा की जिंदगी में जो होती हैं इन्फेक्शंस, जैसे कि यूरिनरी इन्फेक्शंस, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस, सामान्य डायरिया, वॉमिटिंग या फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस यानी श्वास मार्ग की इन्फेक्शंस, जैसे खांसी होना, न्यूमोनियाज होना, लेकिन कुछ इन्फेक्शंस ऐसी होती हैं जो काफ़ी रेयर होती हैं, यानी रोज़मर्रा में हमें वो सुनने नहीं मिलती हैं। ऐसी इन्फेक्शंस जो हैं वो कुछ ऐसे पेशेंट्स में होती हैं जिनकी रोग प्रतिकारक शक्ति यानी इम्यूनिटी कम होती है, जैसे कि कैंसर वाले पेशेंट्स या एचआईवी पेशेंट्स या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स। आपने महामारी के बारे में भी अब तो सब लोगों ने सुन लिया है, COVID-19 है, स्वाइन फ्लू है, इनके एपिडेमिक्स, पैंडेमिक्स, सब लोगों को पता है कि ये कितने घातक साबित हो सकते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ की अच्छी बात यह है कि अगर हम उन्हें टाइमली डायग्नोज कर लें, यानी सही समय पर उनका निदान हो जाए, तो जो इनका इलाज है वो बहुत अच्छे से और सरलता से ख़त्म हो जाता है और ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स यानी आउटकम्स, फाइनल आउटकम्स, परिणाम बहुत ही अच्छे मिलते हैं। वहीं अगर हम इन्फेक्शंस के निदान में देरी कर दें, भले वो सामान्य मलेरिया हो, टाइफॉइड हो, चिकनगुनिया हो, डेंगू हो या फिर टीबी हो, अगर उसका सही समय पर निदान ना हो तो गंभीर से गंभीर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं और जान का भी खतरा हो सकता है। यहाँ पर भूमिका आती है एक इन्फेक्शियस डिजीज़ स्पेशलिस्ट डॉक्टर की, ताकि हम गंभीर से गंभीर और सिंपल से सिंपल बीमारी को टाइमली डायग्नोस करके उसका सही तरीके से निदान और इलाज कर सकें। जहाँ हम एक और इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट की बात करते हैं, वहीं वैक्सीनेशन, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोडालिटी है इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए, यानी इन्फेक्शंस से बचने के लिए, उसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। वैक्सीनेशंस यूजुअली चाइल्डहुड में यानी बचपन में ख़त्म हो जाते हैं, बट कुछ ऐसे वैक्सीन्स हैं जो कि एडल्टहुड में भी ज़रूरी होते हैं, यानी बड़े लोगों में और वयस्कों में, खासकर जिनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है उनमें बहुत ज़रूरी होते हैं। COVID-19 वैक्सीन हम सब ने ले ली है, जिन्होंने नहीं ली है वो इसे तुरंत ले लेंगे और COVID-19 से बचने की तैयारी करेंगे। कोई भी इन्फेक्शन हो उसे इग्नोर ना करें, अपने फिजिशियन को, इन्फेक्शियस डिजीज़ स्पेशलिस्ट को जल्दी से संपर्क करें, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशंस या जान का खतरा ना हो, और अपने वैक्सीनेशंस को कंप्लीट करें। धन्यवाद।